हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मयूरी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं इन 2023 अगर आप यूके स्टूडेंट वीज़ा पे जाने वाले हो तो आपको वीडियो के अंदर दिए गए हुए डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपका जितना भी स्टडी खत्म होता है लास्ट एंड तक वो, और वो सारे डॉक्यूमेंट के अंदर आपके जो भी एजुकेशन खत्म होता है वहाँ पे आपको कॉलेज में जाके ट्रांसक्रिप्ट निकलवानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में आना चाहिए ट्रांसक्रिप्ट। सेकेंड वन है आपका SOP। SOP का फुल फॉर्म होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऐसा होता है कि आप कौन सी कॉलेज के अंदर कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, और ये आपको प्रिसाइसली लिखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ उसके ऊपर ही आपका कॉलेज के अंदर एक्सेप्टेंस जाएगा। जैसे आप HR के लिए यहाँ पे आपने पढ़ा है और वहाँ पे भी HR का फर्दर स्टडी के लिए जा रहे हो, तो आपको SOP के अंदर प्रॉपरली लिखना पड़ेगा कि आप क्यों चूज कर रहे हो, आप उसको लेके आपका करियर डेवलपमेंट किस तरह से आगे जाना है, आपको करियर पाथ कैसे सेट करना है, वो सब बेस्ड ऑन SOP होता है। और उसके बाद कॉलेज आपका एक्सेप्टेंस लेती है बेस्ड ऑन दी SOP। सो सेकेंड पॉइंट इज SOP। नेक्स्ट वन इज LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। इट्स अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ, जब आपका वीजा लगाते हैं, जब आप कॉलेज के लिए स्टूडेंट वीजा लगाते हैं और कॉलेज के लिए अंदर आप अप्लाई करते हो, तो LOR का इम्पोर्टेंट ऐसा होता है कि आपको कोई रिकमेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई कॉलेज में से स्टडी की है तो वहाँ से आपके ट्यूटर्स होते हैं या फिर कोई कंसर्न पर्सन होता है जो आपको रेकमेंड करता है कि आपने यहाँ पे 3 साल या 4 साल जो भी कॉलेज की जर्नी की है उसके अंदर आपने क्या किया है, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको रिकमेंडेशन के लेटर में दी जाती है। कॉलेज में से आपके पर्टिकुलर ट्यूटर या कोई भी कंसर्न पर्सन आपको देता है। सो दिस इज द LOR। नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज स्कोर, जिसको हम बोलते हैं IELTS, TOEFL, GRE, Duolingo, whatever language, इसका स्कोर कार्ड डालना पड़ता है। वहां से आपको पता चलता है कि आपके स्कोर के हिसाब से आपकी लैंग्वेज की कितनी प्रोफिशिएंसी है। बिकॉज ऑफ ऐसा होता है कि आप जैसे UK, US, Canada, Australia, ये सारी जगह पे आप जाते हो तो वहां पे उन लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज होती है इंग्लिश। अगर आप वो आपका कम्युनिकेशन ही इतना प्रॉपर नहीं होता, इतने प्रॉपर लेवल से नहीं होता है जो भी 4 सेगमेंट होता है, तो दे हैव टू आइदर रिजेक्ट योर प्रोफाइल और दे हैव टू टेल अस टू रीअपेयर फॉर दिस ऑल ऑफ वन एग्जाम, इसमें से जो भी आपके कोर्स के रिलेटेड होती है। तो उसके अंदर मैं बताऊंगी कि अगर आप IELTS दी है या फिर जो भी एग्जाम दी है तो उसका स्कोर कार्ड आपको अटैच करना रहेगा। द नेक्स्ट वन इज पासपोर्ट एंड ID प्रूफ। पासपोर्ट के बिना आपको भी पता है कि आप नहीं जा पाओगे, और ID प्रूफ के अंदर जो जो भी वो लोग लिस्ट देते हैं, लाइक आपका जो भी कॉलेज ID प्रूफ लेते हैं, आपके एजुकेशन के हिसाब से आपका आधार कार्ड होता है, जो भी उनके पास उनकी जो कॉलेज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यू हैव टू कैरी इन वन फोल्डर कि भाई जहाँ जहाँ जो जो ज़रूरत होती है आपके पास वो हैंडी रहनी चाहिए, ताकि आप जब भी दो तो आप उनके पास उनको जो भी रिक्वायरमेंट आपके ID के रिलेटेड हो तो आप उनको दे सकते हो। अब सबसे बड़ा पार्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से ही आपका ओवरऑल गेम बनता है। बिकॉज ऑफ अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल ही नहीं हो, या आपके स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं होते हैं, आपके बैंक बैलेंस प्रॉपर नहीं होता है, तो कॉलेज के पास आप कुछ सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो कि अगर आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते हो तो यू हैव अ सर्टेन बैलेंस इन योर जो भी आप कंट्री से हो वहाँ कंट्री के अंदर आपके पास प्रॉपर बैलेंस पड़ा हुआ है, ताकि आपको कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है जो भी कंट्री में जा रहे हो तो उनको एक सिक्योरिटी मिले कि भाई ये इनके पास इतना फंड है ताकि वो हमारी कंट्री के अंदर सर्वाइव कर सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट लेवल की आप जब भी फाइल करते हो ये डॉक्यूमेंट के लिस्ट के अंदर आपके पास होना चाहिए। अब मैं आपको लास्ट नहीं बट सेकेंड लास्ट बताऊंगी कि ऑफर लेटर या फिर एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास रेडी होना चाहिए। बिकॉज ऑफ अगर आपने ऊपर वाले जितने भी प्रोसेस है 1 by 1 पॉइंट को फॉलो किया है और उसके बाद आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर या फिर भी आपका जो भी ऑफर लेटर आता है वो आपके पास हैंडी होना चाहिए कि जब भी आप फाइल प्रोसेस करके आप फाइनली जा रहे हो वो लेटर भी आपका सबसे बड़ा गेटवे और गेट पास हो सकता है जो जगह पे आपको जाना है वो। बिकॉज ऑफ उन्होंने एक्सेप्ट की है आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी जो भी प्रोफाइल है वो, उसके बेस पे ही आप वहाँ पे जा रहे हो, वो ही आपको बुला रहे हैं। अब लास्ट है स्टूडेंट वीज़ा, क्योंकि वीज़ा के बिना कोई भी कंट्री में नहीं जा सकते हो, तो वीज़ा आपके पास हैंडी होना चाहिए। आपके पासपोर्ट के अंदर जो भी लगता है और उसके जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो आपके पास होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।